हेलो ए राजकुमार जी, जरा मेरी तरफ देखिए। परंतु वहां जगह नहीं है। देखिए, आपके जैसा पुरुष और हमारे जैसी नारी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मेरी बात मानिए। रामलीला में पुराना दसवा घाट पर मायावी सूर्पनखा का पंचवटी में आना, भगवान राम और लक्ष्मण के प्रणय निवेदन करने, लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटने और खरदूषण वध का मंचन किया गया। साथ ही दर्शकों में राम, लक्ष्मण और खरदूषण के बीच हुए युद्ध के मंचन का खूब आनंद लिया। रामलीला मंचन के दौरान 14 वर्ष वनवास के अंतिम समय में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। इस बीच रावण की बहन सूर्पनखा पंचवटी में घूमते हुए उनकी कुटिया के पास पहुंची, भगवान श्री राम के सुंदर रूप देखकर मोहित हो जाती है। सुंदर रूप धारण करके वो राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, मगर श्री राम उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। तब वो लक्ष्मण के पास जाती है, मगर वो भी उसे ठुकरा देते हैं। इससे क्रोधित होकर वो अपने असली रूप में आकर माता सीता को झपटती है। ये देखकर लक्ष्मण उसकी नाक कान काट देते हैं। खरदूषण वध के प्रसंग ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। साथ ही इस अवसर पर यथार्थ किशोर, सतपाल सैनी, इंद्रजीत शर्मा, धर्मेंद्र यादव आदि लोग मौजूद थे।